नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम बारे में। दोस्तों माई सेल्फ राठौड़ फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एटॉमिक एजुकेशन सेंटर के बारे में। जैसा कि एटॉमिक इंडिया ओपन होने वाली है अक्टूबर नवंबर के आसपास, और फाइनल ओपनिंग की डेट ऑफिशियली आपको बता दी जाएगी हमारे MD मिस्टर अली सर की तरफ से। ओके, तो एटॉमिक इंडिया के अंदर एजुकेशन सेंटर ओपन करना, एजुकेशन सेंटर सेटअप, एजुकेशन सेंटर लीडर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एजुकेशन सेंटर का क्राइटेरिया, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। तो जो लोग एटॉमिक इंडिया में एजुकेशन सेंटर ओपन करना चाहते हैं या प्री ऑथराइज एजुकेशन सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं एटॉमिक इंडिया ऑफिस की तरफ से, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आगे बढ़ें उससे पहले, जो हमारे नए मेंबर्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एटॉमिक की जो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जैसा कि हमारी टीम का गोल है वन टीम वन गोल, डेफिनेटली एटॉमिक इंडिया के अंदर हमारी जो टीम वॉरियर है, एटॉमिक टीम वॉरियर का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपने अभी तक एटॉमिक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एटॉमिक की तरफ से जो भी एजुकेशन होगी एटॉमिक की और टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और सभी को मालूम है कि इंडिया के अंदर सबसे पुरानी टीम टीम वॉरियर काम कर रही है, और 2.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और अपनी टीम को एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और नेटवर्क मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, MLM पॉइंट ऑफ व्यू, हर तरीके से हम प्रोफेशनली ट्रेंड करते हैं। हमारा मेन टारगेट होता है लीडर्स को रेडी करना, लीडर्स को ट्रेन करना, ताकि वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। अगर आपने लीडर्स को ट्रेनिंग नहीं दी है, अगर आपने सिस्टम के अंदर नहीं लेकर के आए हो किसी भी लीडर को, दैट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमारा मेन टारगेट होता है, अगर आप एटॉमिक टीम वाले के साथ ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको एटॉमिक की A to Z इन्फॉर्मेशन और जो भी MLM नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर गाइडलाइंस होता है वो हम फॉलो करते हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाते हैं हम अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। और इंडिया के अंदर मोस्ट प्रोफेशनल लीडरशिप है हमारी और हाईली नॉलेजेबल टीम है। हमारी टीम के अंदर जितने भी लीडर्स हैं प्रोफेशनली, सभी हाईली स्किल्ड लीडर्स हैं और अलग अलग फील्ड के अलग अलग लीडर्स हैं। उसके द्वारा आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी यहाँ पे, तो आप स्टार्ट कर सकते हो टीम वॉरियर के साथ और बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोफेशनल वेल एक्सपीरियंस टीम, स्मार्टेस्ट नॉलेजेबल एंड मोस्ट विजनरी टीम। काम तो सभी कर रहे होते हैं एटॉमिक के अंदर, लेकिन स्मार्टली काम किस तरीके से किया जाता है वो हम चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाते हैं। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए स्पेशली लेडी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हम चलाते हैं और लेडीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। और काफ़ी लेडी लीडर बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं ग्लोबली हमारी टीम के अंदर, ठीक है। और अगर आप एटॉमिक टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को टीम वॉरियर की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। और टीम वॉरियर का जो लोगो है वो कॉपीराइट है, ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो इसका कोई मिसयूज़ न करें। और जितना भी हमारा कंटेंट है YouTube के ऊपर, ये कॉपीराइट्स है, तो आप इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पे अपलोड ना करें। और आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक एजुकेशन सेंटर है, तो उसके बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो एटॉमिक सक्सेस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट क्या है कि एटॉमिक पिछले 10 साल से इंटरनेशनली काम कर रही है और 15 कंट्री में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। इंडिया 16th कंट्री होगा, इसके बाद भी काफ़ी कंट्रीज़ में लॉन्च होना है इसको, ठीक है। और एटॉमिक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रोडक्ट के साथ साथ इसके थेरेपी हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ साथ एटॉमिक का खुद का एक एजुकेशन सिस्टम है। कोई भी कंपनी जब नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आती है तो डेफिनेटली उसको सर्वाइव करने के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी कंपनियां आपने और हमने देखी होगी, जिन कंपनीज़ के पास खुद का एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, जिनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि कंपनियाँ कोलैप्स हो जाती है। किसी का प्रोडक्ट में कमी होती है, किसी के प्रोफाइल में कमी होती है, किसी के कंपनसेशन प्लान में कमी होती है, किसी का प्रोफाइल चेंज होता रहता है, किसी का R&D नहीं होता खुद का, और किसी का एजुकेशन सिस्टम नहीं होता। ये 4-5 फैक्टर्स बहुत बड़े मायने रखते हैं किसी भी कंपनी के सक्सेसफुल के लिए। डेफिनेटली एटॉमिक के अंदर ग्लोबली जब आप इसका प्रोफाइल चेक करते हैं तो इसके जितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल दुनिया में किसी कंपनी का नहीं है। इसके पीछे बैकग्राउंड में जो कंपनियां काम कर रही हैं,
बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है इनका, और उसके साथ साथ इसका जो कंपनसेशन प्लान है जब से लॉन्च हुआ था तब से एज इट इज़ है। और प्रोडक्ट की तो बात ही क्या करनी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि एटोमी आपको वर्ल्ड क्लास का जो प्रोडक्ट यहाँ पे दे रही है जीएसजीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स के थ्रू मास्टीज प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही है इंडिया के अंदर, करने वाली है बहुत ही जल्दी। और एटोमी का एक ही टारगेट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना इसको इंटरनेशनली। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है जिसको हम 4D टेक्नोलॉजी बोलते हैं, 4D XR AI टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्सटेंडेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई आ रही है इनकी 4D, अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है और डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट को ये कैप्चर करने वाली है एटोमी। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और मेरा ये वीडियो काफ़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े लीडर्स MDs देख रहे होंगे, तो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा एजुकेशन सेंटर के बारे में कि कंपनी किस तरीके से इंडिया के अंदर एजुकेशन सेंटर सेटअप करती है। जैसा कि साउथ कोरिया के अंदर एटोमी कोरिया के 1200 सेंटर से ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं, तो एटोमी का मेन फोकस होता है कि लीडर्स की एजुकेशन, उनको एजुकेशन किस प्रकार से दिया जाए ताकि वो एजुकेट होकर के अच्छे तरीके से काम कर सके, अपनी लाइफ और अपने फैमिली की लाइफ सक्सेसफुल बना सके, यहाँ से टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट आप ले सको और आपकी जो बाकी की लाइफ है वो एंजॉय कर सको। तो डेफिनेटली इसका जो एटोमी सक्सेस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में होता है, ग्रुप मीटिंग्स, वन डे सेमिनार्स, सक्सेस अकेडमी। तो एटोमी की जो सक्सेस अकेडमी है वो सारी चीज़ें कंडक्ट करती है, वहाँ पे वन डे सेमिनार्स होते रहते हैं। और इनके जो ग्लोबल सेमिनार्स है पिछले 10 साल में 3000 से ऊपर हो चुके हैं इनके, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ग्रुप मीटिंग्स भी होती रहती हैं, और जो भी सक्सेस सिस्टम है उसका बहुत बड़ा रोल है एटोमी के सक्सेस होने में आज तक। नेक्स्ट, एटोमी सक्सेस सिस्टम के 4 पार्ट है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है यहाँ का सक्सेस एकेडमी, सेकंड वन डे सेमिनार, थर्ड सेंटर मीटिंग, फोर्थ ग्लोबल सेमिनार। तो जो सक्सेस एकेडमी रेस्पॉन्सिबल होती है सब तरह के जो मैनेजमेंट करने का, कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट टीम होती है वो सारी चीज़ें मैनेज करती है, जो कि वन डे सेमिनार्स एटोमी की तरफ से ऑफिशियली भी होते हैं और इंटरनेशनली ग्लोबल सेमिनार्स भी होते हैं एटोमी के। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक जो सेंटर मीटिंग है। सेंटर मीटिंग का मतलब ये होता है कि एटोमी आपको प्री ऑथोराइज एजुकेशन सेंटर के लिए अभी जो एप्लीकेशन है वो अगस्त के मिड से स्टार्ट होने वाले डेट कंपनी की तरफ से आपको बताया जाएगा। तो सेंटर मीटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना एजुकेशन सेंटर ओपन कर सकते हो, और वो एजुकेशन सेंटर का क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपका क्राइटेरिया रहेगा। तो ये एटोमी सक्सेस सिस्टम का ये पार्ट है, सक्सेस अकेडमी, सेंटर मीटिंग, ग्लोबल सेमिनार, वन डे सेमिनार्स। नेक्स्ट, जो सक्सेस सिस्टम में एक तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है ch.atomy.in। अगर आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट पे हैं तो वहाँ पे भी चैनल एटोमी का, स्पेशली जो एटोमी का जो चैनल होता है ऑनलाइन, आप उसको देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी है। और वहाँ पे आप एटोमी के जितने भी वीडियो, इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, वन डे सेमिनार्स, सक्सेस सेमिनार्स, ग्लोबल सेमिनार्स जितने भी होते हैं वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो ज़्यादा नॉलेज के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको देखें और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और वन डे सेमिनार्स एटोमी के कोरिया में भी होते हैं, इंटरनेशनली भी होते हैं, ग्लोबल सेमिनार्स भी होते हैं। तो उसके बारे में, अभी आजकल ऑनलाइन सेमिनार्स चल रहे हैं कोरोना की वजह से, ऑफलाइन सेमिनार्स अभी कहीं भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जो एजुकेशन सेंटर है उसको किस प्रकार से सेटअप किया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सेंटर का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि आपको, आपकी टीम को और आपके आसपास के लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाए, एटोमी पॉइंट ऑफ व्यू उनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन नहीं देंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपने स्कूल ओपन कर लिया, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, अगर टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं होगा, और स्टूडेंट्स का फ्यूचर तभी होगा जब स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे, डेफिनेटली तभी आगे ग्रो करेंगे। तो स्टूडेंट्स और जो टीचर का जो रिलेशन है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा है, और डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर वो स्टूडेंट्स को किस प्रकार से एजुकेशन देते हैं और उनका और उनके स्कूल का नाम किस प्रकार से होता है। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कौन किस प्रकार की एजुकेशन ग्रहण करता है और कितना तेज़ी से अपने आप को ग्रो करता है और कितना तेज़ी से एजुकेशन सिस्टम को वो अडेप्ट करता है, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा बाद में। सेम वे में एटोमी के जितने भी एजुकेशन सेंटर हैं, तो अगर आप सेंटर ओपन करते हो तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए वहाँ पे आपको पूरी टीम को एजुकेशन देना है, जो भी लोग एटोमी में ज्वाइन होना चाहते हैं आप उनको एजुकेट करना है। और सेकेंड जो पार्ट है एटोमी एजुकेशन सेंटर का, जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जयपुर में कोई एटोमी का सेंटर है तो आप ऑनलाइन जब ऑर्डर करोगे तो सेंटर ऑप्शन करोगे जयपुर, तो आपका प्रोडक्ट जयपुर एटोमी के सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर का जो लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए, आपकी आईडी पूछ करके आपका
आइडेंटिफिकेशन करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी होती है। तो डेफिनेटली अभी इसमें स्टडी करेंगे हम एजुकेशन सेंटर के बारे में, और एटोमी इंडिया एजुकेशन सेंटर की जो स्लाइड्स हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या बताया गया है, ताकि कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। डेफिनेटली ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो आपको एजुकेशन सेंटर की जो प्रॉपर गाइडलाइंस है एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से यहाँ पे किस तरीके से फॉलो होगा, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे हम पर्पज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन सेंटर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर, सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन सेंटर, थर्ड प्री ऑथराइज एजुकेशन सेंटर रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन सेंटर का किस प्रकार से रहेगा। तो एजुकेशन सेंटर का जो एरिया रहेगा वो मिनिमम 800 स्क्वायर फीट का होना चाहिए मिनिमम। लोकेशन उसकी होनी चाहिए सेंटर शुड नॉट बी इन शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के अंदर आप एजुकेशन सेंटर ओपन नहीं कर सकते हो, रेजिडेंशियल एरिया में भी आप ओपन नहीं कर सकते हो, और ग्राउंड फ्लोर पे भी आप ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। सेकंड है मिनिमम सीटिंग्स कैपेसिटी, एजुकेशन सेंटर के अंदर 20 लोग कम से कम बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, 20 लोग। तो अगर 20 लोगों की चेयर्स मान के चलिए आप, कम से कम 20 लोग की सीटिंग्स का अरेंजमेंट होना चाहिए उस सेंटर के अंदर। नेक्स्ट, नो एग्जिस्टिंग सेंटर, आपके आसपास आधे किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी सेंटर नहीं होना चाहिए एटोमी का, तब आपको उस एरिया में सेंटर ओपन करने की इजाज़त मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर प्री ऑथराइज एजुकेशन सेंटर। प्री ऑथराइज एजुकेशन सेंटर का मतलब ये है कि एटोमी में अभी जैसे एटोमी स्टार्ट होगी, तो एटोमी के स्टार्टिंग दौर में जो भी सेंटर्स ओपन होते हैं उनको प्री ऑथराइज एजुकेशन सेंटर बोलते हैं। तो उनका क्या क्या अलॉटमेंट का क्राइटेरिया रहेगा वो इस स्लाइड्स में बताया गया। तो फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेंबर एटोमी का एजुकेशन सेंटर लेना चाहता है उसका रजिस्ट्रेशन एटोमी के अंदर कंप्लीट होना चाहिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मेंबर, और उसका KYC कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, एटोमिक कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टर्म्स एंड कंडीशन अंडर एजुकेशन सेंटर LOI एंड एग्रीमेंट। तो उस लीडर को एटोमी के बारे में A to Z जानकारी होनी चाहिए, एटोमिक एथिक्स प्रिंसिपल्स, एटोमिक रूल एंड रेगुलेशंस, एटोमिक की टर्म्स एंड कंडीशंस, और एटोमिक एजुकेशन सेंटर से संबंधित उसको सारी जानकारी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एटोमिक DNA। एटोमिक DNA का मतलब ये होता है कि आपको आपका जो माइंडसेट है वो एटोमी माइंडसेट होना चाहिए यहाँ पे। आप किसी दूसरी कंपनी के मेंबर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एटोमी का आपने सेंटर ओपन कर लिया और किसी दूसरी कंपनी को भी रन करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सेंटर वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एटोमी DNA होना चाहिए, यानी कि एटोमी के अंदर आपका माइंडसेट होना चाहिए और फुल्ली आप एटोमी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। नोट सस्पेंडेड, और आपका जो अकाउंट है वो एटोमी की तरफ से कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए एटोमी, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट एटोमी की तरफ से सस्पेंड नहीं होना चाहिए, तो ही आपका एजुकेशन सेंटर मिलेगा। और एटोमी सेंटर का जो लीडर है उसके लिए 5 1-day सेमिनार्स और 2 success सेमिनार्स 6 महीने में आपको अटेंड करने हैं कंपलसरी है। यानी कि एटोमी एजुकेशन सेंटर जो लीडर ओपन करेगा उसको 5 1-day सेमिनार एंड 2 success सेमिनार विदिन 6 months आपको अटेंड करने हैं एटोमी की तरफ से, और ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय एटोमी इंडिया, और जो एटोमी इंडिया की तरफ से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो भी आपको अटेंड करना बहुत कंपलसरी है, ओके। अभी जब आप एटोमी इंडिया का एजुकेशन सेंटर आप ओपन करने वाले हो तो डूज एंड डोंट, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो गाइडलाइन भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखी है। तो आपको क्या क्या करना है डूज में, इसको एक वर्ड है कंप्लीट, उसके माध्यम से रेफर किया गया है कंप्लीट। कंप्लीट का फुल फॉर्म ये लेफ्ट में राइट में दिखाया गया है। तो इस वर्ड के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आते हैं। C4 कल्चर, आपको यहाँ पे एटोमी का कल्चर फॉलो करना है। ऑल एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी एटोमी के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको एटोमी का कल्चर फॉलो करना है। कल्चर का मतलब ये है जो एटोमी के कोड ऑफ प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स है वो आपको फॉलो करना है। आपको यहाँ पे खुद का दिमाग नहीं लगाना, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार का वो वहीं पे छोड़िए। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको एटोमियंस बनना है। एटोमियंस बनने के बाद जो प्रॉपर गाइडलाइन एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से आपको दी जाएगी उसका स्ट्रिक्टली आपको पालन करना है और अपनी टीम में पालन करवाना है और अपने एजुकेशन सेंटर में फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व, मेक श्योर दैट डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो द एटोमी कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है आपके एजुकेशन सेंटर के अंदर और बाहर और आपकी पूरी टीम में आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूटर सभी एटोमी का जो कोड ऑफ एथिक्स है प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करेंगे, यानी कि एटोमी की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, उल्टे सीधे काम कहीं नहीं करेंगे। इस कंपनी के अंदर सेट वर्किंग और जुगाड़ और ब्लैक मार्केटिंग ये कुछ भी अलाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है और अपनी पूरी टीम को बचाना है यहाँ पे। तो ऑब्जर्व करना है आपको सबको इस मामले के अंदर कि आपके जो मेंबर्स हैं वो एटोमी की प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली वो फॉलो करना है और करवाना है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
मोटिवेट करना है आपको, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोर्ट करना है और उनको एजुकेट करना है, उनको ट्रेनिंग्स देना है, उस ट्रेनिंग्स का सही मायने में डुप्लीकेशंस करवाना है पूरी टीम के अंदर, पूरी टीम के लीडर्स के अंदर। प्रोडक्ट हैंडओवर ऑन राइट टाइम टू राइट पर्सन, जैसे ही आपके एरिया के लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर ऑर्डर करेंगे एटोमी के प्रोडक्ट्स और वो आपका सेंटर सेलेक्ट करते हैं, तो जो गुड़गांव वेयर हाउस है एटोमी का, जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट रहेगा वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट आएगा आपके सेंटर के ऊपर। और आपके सेंटर में जैसे प्रोडक्ट होगा उसका प्रोडक्ट का रख रखाव और रैक्स वगैरह, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट को सही तरीके से मैनेज करके रखना है। और जो लीडर ऑर्डर करेगा उसका आईडी नंबर चेक करना है, उसका ऑर्डर चेक करना है और उसका आईडी प्रूफ आपको चेक करना है, फिर आपको प्रोडक्ट उसको हैंड ओवर करना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है वहाँ पर। लीडरशिप, बी ए लीडरशिप, बी एज ए लीडर फॉर ओवरऑल एजुकेशन सेंटर मैनेजमेंट, प्रमोट एटोमी बिजनेस। तो आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है वहाँ पे, एटोमी का जो एजुकेशन सेंटर है पूरा आपको मैनेज करना है और पूरा एक महीने का जो जो प्रोग्राम्स आप वहाँ पे कंडक्ट करोगे, जो जो सेमिनार्स आप कंडक्ट करोगे उसका पूरा शेड्यूल बनाना है आपको। और जो ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं एटोमी इंडिया की तरफ से, एटोमी कोरिया की तरफ से, वो भी आपको वहाँ पे दिखाने हैं डेफिनेटली। और खुद के ट्रेनिंग शेड्यूल भी आपको वहाँ पे करना है, मैनेज करना है सब कुछ। इंश्योर टाइमिंग और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है एजुकेशन सेंटर का, वो डेफिनेटली मैनेज करना है आपको, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ट्रेनिंग देनी है आपको, अटेंड एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इफेक्टिव, फॉलो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गाइडलाइन ऑफ एटोमी एजुकेशन सेंटर। जो आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो डिज़ाइन होगा एटोमी एजुकेशन सेंटर का, वो एटोमी एजुकेशन सेंटर, एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से आपको गाइडलाइन मिलेगी। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो डिज़ाइन है वो आपको एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से बताया जाएगा। ओके, डोंट, ये आपको नहीं करना, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें हैं। आर फॉर रीसेल, डू नॉट यूज़ एटोमी प्रोडक्ट इन अदर ई कॉमर्स वेबसाइट एंड डू नॉट मेक एनी पॉइंट ऑफ सेल इन एजुकेशन सेंटर। तो रीसेल नहीं करना प्रोडक्ट को, आपको किसी भी मेंबर को प्रोडक्ट के लिए बोलना है तो उसका आईडी प्लेस करवाइए और उसको बोलिए ऑनलाइन ऑर्डर करे, प्रोडक्ट उसके घर पे आएगा या वो आपके एजुकेशन सेंटर से कलेक्ट करेगा। और आपके एजुकेशन सेंटर के अंदर कोई प्रोडक्ट रीसेल अलाउ नहीं है, आपके पास जो सेंटर है वहाँ पे आप प्रोडक्ट बेचने के लिए अथॉराइज नहीं हो। अगर पकड़े गए तो डेफिनेटली डिसिप्लिनरी एक्शन होगा आपके ऊपर, ठीक है। एग्जिबिट, डू नॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट इन एनी मैनर विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। आपको जो प्रोडक्ट है उस जो डिस्प्ले है, शोकेस रैक्स इस तरीके से बनाने हैं कि बाहर से कोई उनको ना देख पाए, एटोमी के ऑफिस के अंदर आए एजुकेशन सेंटर के, तभी वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हों। स्विच, डू नॉट अलाउ स्विचिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर एजुकेशन सेंटर। दूसरे एजुकेशन सेंटर्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको डू नॉट अलाउ स्विचिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी अदर एजुकेशन सेंटर। दूसरे एजुकेशन सेंटर्स के मेंबर्स का स्विचिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है। ट्विस्ट, डू नॉट मिस रिप्रेजेंट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एटोमी कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स पब्लिश डॉक्यूमेंट। जो भी एटोमी की तरफ से सही मायने में आपको मार्केटिंग मटेरियल दिया गया है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसीज, वही आपको रिप्रेजेंट करना है और उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना है आपको कि चलेगा, ये चलता है, वो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाइडलाइन आपको दी है वो फॉलो करनी है, अपनी तरफ से कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है एटोमी के कोड ऑफ एथिक्स में, प्रिंसिपल्स में, प्रोसीजर्स में, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करना, जो बताया जाए वही करना है बस। रेज, डू नॉट प्रिपेयर पब्लिश ओवन एडवर्टाइजिंग मटेरियल और एल्टर लोगो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको एटोमी का लोगो कहीं पे यूज़ नहीं करना है, वो एटोमी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जो भी लोगो होता है जिस भी कंपनी का होता है तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो आपको वो लोगो अपनी स्पेशल मार्केटिंग के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। जो भी काम करना है वो एटोमी ऑफिस से बात कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ काम करिए। अगर कोई प्रमोशन मटेरियल रेडी करना है तो एटोमी ऑफिस में बात करना है, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो। विदाउट परमिशन कुछ नहीं करना है आपको, एटोमी का लोगो आपको यूज़ नहीं करना है। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ट्रेडमार्क और कोई भी लोगो होता है तो जो मेंबर जिसके नाम से रजिस्टर्ड होता है वही ऑथराइज होता है। अगर आप किसी का भी ट्रेडमार्क या लोगो यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है स्ट्रिक्टली। ओके, तो इसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि किसी का लोगो या ट्रेडमार्क आप यूज़ कर सकते, आप अलाउ नहीं है जब तक आप प्रॉपर परमिशन ना लो उस अथॉरिटी से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं ये। इंडिविजुअल, डू नॉट सेट अनदर एटोमी एजुकेशन सेंटर, वन लीडर वन एजुकेशन। एक लीडर का सिर्फ एक ही एजुकेशन सेंटर होगा, आप दो दो एजुकेशन सेंटर नहीं ले सकते। कॉन्फिडेंशियली बनाए रखना है, जो भी आपको बताया जाए वो फॉलो करना है, करवाना है। और आपको टाई अप करना है
और आपका जो टाइप अगर दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के साथ है तो वो आपको बंद करना है। जो एटोमी एजुकेशन सेंटर का जो टॉप लीडर होगा वो अथराइज है सिर्फ एटोमी का प्रमोशन के लिए, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को प्रमोशन आप नहीं कर सकते, ना ही किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग्स आप अपने एटोमी एजुकेशन सेंटर में देने के लिए अलाउ हो, बिल्कुल अलाउ नहीं हो, ठीक है, ओनली एटोमी। नेक्स्ट है पर्पज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सेंटर लीडर। लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो लोग एजुकेशन सेंटर्स लेंगे उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो देखिए आप। ट्रेन एंड एजुकेट, यहाँ पे आपको एटोमी का विज़न, फिलोसफी, वैल्यू, मोटो, एटोमी कोड ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स और कंपनसेशन प्लान, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और सारी चीज़ें आपको डुप्लीकेट कराना है टीम के अंदर डेली बेसिस पे ट्रेनिंग में, ओके। डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना है वहाँ पे, जितने भी एटोमी की जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप प्रोडक्ट्स का डेमो आपको देना है वहाँ पे, अगर किसी ने देखा, सोचा, समझा तो डेमो आपको देना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का। एजुकेशन सेंटर में लोगों को अवेयरनेस देनी है कि ये प्रोडक्ट इसमें यूज़ होता है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं तो उसका भी डेमो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन तो बिल्कुल बताना है, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देना है आपको सबको, सेंटर मैनेजमेंट करना है आपको, प्रॉपर एफिशिएंट एंड स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सेंटर, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, और जो सेल्स है उसको बूस्ट करने के लिए, एजुकेशन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए, सेल्स के लिए जो प्रमोशनल मटेरियल्स है वो एटोमी ऑफिस से कंसल्ट करके ही आपको करना है, जो भी आप करना चाहते हो सेल्स को बूस्ट करने के लिए। मार्केट का जो डाटा है वो कलेक्ट करना है, जो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और क्या क्या उनका बिहेवियर है प्रोडक्ट के प्रति, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मार्केट का डाटा कलेक्ट करके सेंटर को बताना है हर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मस्ट अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एजुकेशन सेंटर लीडर्स मीटिंग एज मे बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोवाइडेड बाई एटोमी, ठीक है। तो जो मार्केट का डाटा है, फीडबैक आपको एटोमी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, वो एटोमी सेंटर से कनेक्ट रखना है डेली बेसिस पे, और आप जो एटोमी के ट्रेनिंग प्रोग्राम है और एजुकेशन सेंटर लीडर की जो मीटिंग है वो एटोमी के द्वारा बताई जाएगी ऑफिस की तरफ से इंडिया में, तो वो आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से। और जो भी वॉलंटियर्स रहेंगे वन डे सेमिनार्स, सक्सेस अकेडमी, अदर सेमिनार्स के लिए, जैसे जो वॉलंटियर रहेंगे ड्यूरिंग एटोमी वन डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार एंड अदर सेमिनार, जितने भी सेमिनार्स होंगे उनके लिए जो लीडर एजुकेशन सेंटर लीडर का वॉलंटियर रहेगा उसको कॉन्टैक्ट करना है एटोमी से कि आप भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने आप को, ठीक है, वन डे सेमिनार्स में, सक्सेस सेमिनार्स में, अदर सेमिनार्स में, तो आपको एटोमी से बात करनी है इसके बारे में क्या प्रोसीजर होता है उसका, वो आपको वहाँ से गाइडलाइन मिलेगी। प्रोडक्ट हैंडओवर, सही आदमी को सही प्रोडक्ट आपको हैंडओवर करना है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत बंदे को प्रोडक्ट दे दोगे। जो भी शिपमेंट आपके पास आया है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, सिग्नेचर लेने हैं बाकायदा, और सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट हैंडओवर करने की क्या क्या गाइडलाइन है वो बता दी जाएगी, और वो डेफिनेटली आपको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। जो लोग एटोमी एजुकेशन सेंटर्स के बारे में, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, या आप एटोमी का एजुकेशन सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो एजुकेशन सेंटर का टर्म्स एंड कंडीशंस, क्राइटेरिया, डूज एंड डोंट डू, और एजुकेशन सेंटर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए आप अपनी टीम्स में, और जो लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, और आपको एटोमी टीम वॉरियर की तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दोस्तों मिलती रहेगी। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप टीम वॉरियर का एक पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, डेफिनेटली आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से दोस्तों पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।